नया गाइडलाइन इशू किया है और आज उस गाइडलाइन पर चिंतन मंथन करते हुए हम लोगों ने भी कुछ निर्णय लिए हैं। और जैसे कि उनके गाइडलाइन को आप देखेंगे तो लगभग सभी चीजें खोल दी गई हैं, कुछ चीजों को छोड़कर। और हमने भी उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, राज्य के अंदर मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखकर, हम लोगों ने भी कुछ निर्णय लिए हैं। और निर्णय हम लोगों ने इस तरीके से लिया है क्योंकि राज्य में प्रवासी मजदूरों का भी लगातार आना जारी है और संक्रमण की स्थिति भी आगे पीछे हो रही है। और ऐसे स्थिति में आने वाला समय में लोगों को रोजगार की भी आवश्यकता पड़ेगी, आर्थिक गतिविधियों में भी कैसे हम उसको बढ़ा पाए, इस संदर्भ में भी हम लोगों ने काफी आज दिन भर चिंतन मंथन करते हुए कुछ चीजों को, जो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा और बाकी हमारे ट्विटर हैंडल से आपको मिल जाएगा डिटेल, जो आज से लगभग जो हम लोग सुचारू रूप से जो चलेंगी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको, इंडस्ट्रियल एरिया जहां जहां है वहां पर ये एक्टिविटीज को हम लोग खोलने जा रहे हैं। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप वो संचालित किए जाएंगे। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है उनको भी हम लोगों ने चालू करने का निर्णय लिया है। और जैसे कि आपको पता है कि CBSE ने बच्चों के एग्जाम की तिथियां भी जारी की हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने की भी अभी तैयारी की भी जरूरत है। और इसको लेकर हम लोगों ने जितने भी किताब की दुकानें हैं उनको और स्टेशनरी शॉप को खोलने का निर्णय लिया है ताकि वो बच्चे पढ़ाई कर सके। इसके अलावा क्योंकि भारत सरकार ने एक ट्रेन भी चलाई है जो शुल्क के साथ चल रही है, वो विभिन्न राज्यों के स्टेशनों पर रुकती हैं, राजधानी एक्सप्रेस जो इन्होंने शुरू किया है, और उसमें से उतरने वाले यात्री पूरे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने जो राज्य में चल रहे टैक्सी व्यवस्था उसको भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है अब राज्य के अंदर। और अंतर राज्य में भी विद परमिशन ये टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने पहले कई चीजें खोल भी रखी हैं, जैसे कृषि से संबंधित सभी चीजें खुली हुई हैं, पहले से ही इसका आदेश निर्गत है, जैसे बीज की दुकान, खाद की दुकान और उससे जुड़ी जितने भी मशीनरीज हैं, मशीन्स हैं, उन सभी को, जैसे ट्रैक्टर हुआ, उसका पार्ट्स हुआ, और भी पंप हुआ वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं उन सब चीजों पर।
और इस तरीके से छोटे बड़े चीजें के हम लोगों ने निर्णय लिया है। लिकर शॉप भी खोले जाएंगे क्योंकि आर्थिक व्यवस्थाएं भी करनी है, और इस क्रम में इसको भी हम लोगों ने खोलने का निर्णय लिया है, जो बहुत जल्द ये सभी चीजें खुल जाएं। इसके अलावा जो सर्विस जो है सेंटर्स हैं, जिसमें मोबाइल सर्विसेज हो, टीवी फ्रिज हो, एयर कंडीशन हो, कूलर हो, घड़ियां हो, फ्रिज हो, ये सारी चीजों की जो सर्विसिंग सेंटर्स हैं वो भी खोले जाएंगे। इस तरीके के कुछ कुछ चीजें और हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, बाकी निर्णय आपको हमारे वेबसाइट में और सरकार के आदेश निर्गत होने पर विस्तृत रूप में जानकारी मिल जाएगी।